हम लोग अब कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करता है। कहीं पे भी एक सिंगल चार्ज पार्टिकल भी अगर है या एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, हम कहते हैं कि उसके चारों तरफ एक फोर्स फील्ड एग्जिस्ट करता है। कुछ चार्ज पार्टिकल्स हम दिखा रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो दूर दूर तक ब्रह्मांड के छोर तक भी कोई एक चार्ज पार्टिकल अगर एक गुजर रहा होगा तो वो इस सिस्टम के कारण एक फोर्स महसूस करेगा। तो हम एक कॉन्सेप्ट बनाने जा रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोर्स फील्ड। हम कहेंगे कि इस सिस्टम के चलते इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे एक फोर्स फील्ड प्रेजेंट है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के नाम से संबोधित करेंगे। पूरे स्पेस को हम लोग फील्ड कहेंगे, मैदान, और हर पॉइंट को फील्ड पॉइंट कहेंगे। तो हम किसी भी फील्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अभी डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल रहेगा कैपिटल ई, और ये हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहे हैं ऑन सिमिलर लाइंस एज ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिख रहे हैं, ई वेक्टर एट एनी फील्ड पॉइंट इज डिफाइंड एज। किसी भी फील्ड पॉइंट पे अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए, तो आपको उस फील्ड पॉइंट पे एक टेस्ट पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड टेस्ट पार्टिकल रखना होगा, से प्लस क्यू, और देखना होगा कि वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, कूलम फोर्स, ड्यू टू अदर चार्ज पार्टिकल्स। वहां पे कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल होगा, तभी तो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं है स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड तभी होगा ना किसी भी पॉइंट पे स्पेस में, जब मासेस हो निकट। अगर कोई मास ही नहीं हो तो वहां पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं होगा। तो यहां पे कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज बॉडीज प्रेजेंट है, तभी फील्ड पूछ रहे हैं। जिस पॉइंट पे भी पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, उस पॉइंट पे आपको कल्पना करना है कि एक प्लस स्मॉल क्यू पॉजिटिवली चार्ज्ड टेस्ट पार्टिकल, ये आपका टेस्ट पार्टिकल है, जो था नहीं आप रखे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि वहां अगर रखते तो वो टेस्ट पार्टिकल बाकी चार्ज पार्टिकल्स के कारण एक फोर्स महसूस करता, कूलम फोर्स। उसको अगर एफ कहें तो उस स्थान पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका यूनिट्स होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये दर जैसा है, जैसे हमको बाजार में जाकर के आम का दर पता करना है, तो हम बाजार में ठेला पे गए और उससे हम कहे कि हमको 4 किलो आम दे दो, वो पैसा बताया 80 रुपये। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस दर से आम मिल रहा है बाजार में, यानी प्रति किलो कितना। आप 80 रुपया को डिवाइड कर देंगे 4 किलोग्राम से और जवाब देंगे 20 रुपया प्रति किलोग्राम, 20 रुपीज पर केजी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति 5 केजी खरीदा होता आम, तो वो दुकानदार उससे 100 रुपया मांगा होता, वो आदमी भी दर जब कैलकुलेट करता तो सेम आंसर आता, 20 रुपया प्रति किलोग्राम। यानी हम किसी भी पॉइंट पे आपसे कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट पता लगा के बताइए, तो डेफिनेशन को समझिए चीज से क्या लिखा है। लिखा है कि अगर वहां पे एक +1 कूलम चार्ज पार्टिकल रखा जाता तो उस पे कितना फोर्स लगता, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फोर्स
पर यूनिट चार्ज, जैसे और आम किस दर से मिल रहा है बाजार में, ये जानने के लिए हम 5 किलो आम खरीदें या 4 किलो आम खरीदें या 1 ही किलो सीधे खरीद लेते, किसी भी स्थिति में ये जवाब सेम आता है। तो इस स्थान पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, जैसे कल्पना कीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज स्पेस में कहीं स्थित है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा बोलते हैं। अगर हम पूछे कि इस फील्ड पॉइंट पे कोई एक पॉइंट पी है जो उससे आर डिस्टेंस की दूरी पर है, इस स्थान पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए, तो डेफिनेशन के अनुसार आप इस स्थान पे कल्पना करें कि एक प्लस क्यू, ये एक पॉजिटिवली चार्ज टेस्ट पार्टिकल है जो आप यहां रखे हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपका कल्पना है, ये एग्जिस्ट करता है, इसके कारण हर पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है। तो हम ये कल्पना करेंगे कि एक पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज पार्टिकल अगर वहां रखा गया होता, जैसे अगर हम 4 केजी आम खरीदते और मालूम हो जाता कितना कीमत है उन 4 केजी का, तो हम दर कैलकुलेट कर लेते, या अगर हम 5 केजी यानी आप कोई भी मात्रा का एक टेस्ट पार्टिकल रख लीजिए, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, आप पता लगाइए कि वो कितना फोर्स महसूस करेगा और किस तरफ, जो कि कूलम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करेगा वो 1/4 πε0 Q1 Q2 r2। आपको लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब पूछेंगे इस पॉइंट पे, तो डेफिनेशन के अनुसार फोर्स को क्यू से डिवाइड करके पर यूनिट चार्ज, तो आप जवाब सिर्फ यही लिखेंगे, यानी अगर यहां 1 कूलम रखा गया होता तो इतना फोर्स वो महसूस करता न्यूटन प्रति कूलम। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो किसी पॉइंट पे, तो हम वहां पे कल्पना करेंगे कि एक +1 कूलम मैग्नीट्यूड का टेस्ट पार्टिकल रखा है, और वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यही तो है Q × 1 हो जाएगा, अब तब जो आपको नंबर मिलेगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए आप उसका दिशा भी बताना नहीं भूलेंगे, जैसे इस पॉइंट पे फील्ड पूछेंगे इसके कारण फील्ड, तो आप इधर बताएंगे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर आर डिस्टेंस की दूरी पे बहुत सारा पॉइंट्स है, एक पूरा आप स्फेरिकल सरफेस इमेजिन कर सकते हैं, तो आर डिस्टेंस की दूरी पे जितना भी पॉइंट होगा सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। हम लोग इस तरह से छोटा छोटा वेक्टर बना के और फील्ड को दिखाते हैं, हर पॉइंट पे छोटा छोटा वेक्टर बना के फील्ड को दिखा सकते हैं, और फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां लिख दिए जो कि एक फंक्शन है ऑफ डिस्टेंस आर। इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पर कोई भी फील्ड पॉइंट हो, पूरा एक सरफेस है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट किए यूजिंग दैट डेफिनेशन कि इतना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। किसी दूसरे पॉइंट पे निकालते, हर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इसी प्रकार। और एक और चीज हम लोग करते हैं कि अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले होते तो थोड़ा बड़ा एरो बनाते, यानी हम थोड़ा थोड़ा दूर दूर पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बना लें और उन सबको स्मूथली ज्वाइन करें, स्मूथली इस तरह से, इस चित्र को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो हम लाइंस बना रहे हैं दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बड़ा अच्छा तरीका है दिखाने का, इस एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कारण पूरे ब्रह्मांड में यहां से लेके इन्फिनाइट डिस्टेंस की दूरी तक एक फील्ड मौजूद है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनको हम एक चित्र के रूप में दिखा सकते हैं, ऐसे जो अभी दिखाए, यहां भी फील्ड है, यहां भी फील्ड है, हर जगह फील्ड है, लेकिन हर जगह हम इस तरह का एरो नहीं बनाएंगे, फ्यू पॉइंट्स पे हम, जैसे यहां बना दिए, यहां बना दिए, यहां बना दिए, यहां बना दिए, सबको ज्वाइन कर दिए, इसी तरह से फ्यू लाइंस बना देते हैं, इमेजिनरी लाइंस, ऐसा नहीं है कि यहां से कोई रेज निकल रहा है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, हमारा कल्पना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां एग्जिस्ट कर रहा है, इस बात को हम एक चित्र के रूप में दिखाते हैं, इस चित्र में सिर्फ आपको दिशा का बोध होता है, जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, तो फील्ड लाइंस को देखने से आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा का एक जानकारी मिल जाता है। द डायरेक्शन ऑफ दीज फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग से लिखना पड़ता है एज अ फंक्शन, जैसे एक पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के चलते जो फील्ड होगा वो हम लोग अभी निकाले, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा फील्ड लाइंस, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डिस्टेंस का फंक्शन होगा, फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस, किसी भी फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस खाली बताइए इस पॉइंट चार्ज से, हम तुरंत वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दें। यहां नोटिस करने लायक बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर फील्ड जीरो है, और जैसे जैसे पॉइंट चार्ज के निकट आते जाइएगा फील्ड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर फील्ड महसूस करेंगे और स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, और जब बिल्कुल पॉइंट चार्ज से सटने लगिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फाइनाइटली लार्ज होने लग जाएगा। यानी एक इंपॉर्टेंट बात यहां नोटिस करने लायक यह है कि पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, अर्थात अगर हम इससे r1 डिस्टेंस की दूरी पर कोई फील्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड e1 हो, r2 डिस्टेंस की दूरी पर कोई फील्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड e2 हो, e2 छोटा दिखाए हैं e1 से, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाइएगा फील्ड कमजोर होता जाएगा, r3 डिस्टेंस की दूरी पर किसी फील्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर e3 हो थोड़ा और छोटा कर दो, तो हम लोग जो अभी समझे हैं एक पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके चारों तरफ, इस जानकारी के अनुसार E into R square का वैल्यू कांस्टेंट होता है, यानी E1 into R1 square will be equal to E2 into R2 square will be equal to E3 into R3 square dot dot dot। ये जानकारी मैंने, आप खाली फॉर्मूला लिख लिए, चित्र बना लिए, पर इन सब बातों को अगर आप नहीं सोचे यानी आप फिजिक्स नहीं सीखे। अच्छा, यहां भी फील्ड है, यहां भी हर जगह फील्ड है, ऐसा मत समझिएगा कि हम यहां पे फील्ड लाइन नहीं बनाए हैं, यहां फील्ड नहीं है, एक्चुअली हम हर जगह अगर फील्ड लाइन बना दें तो पूरा चित्र सिर्फ काला हो जाएगा, तो हम लोग सारा फील्ड लाइंस कभी नहीं बना सकते हैं, हमेशा फ्यू रिप्रेजेंटेटिव फील्ड लाइंस बना देते हैं। फील्ड लाइंस जैसे जैसे आप इस पॉइंट चार्ज से दूर जाइएगा वैसे वैसे घनत्व कम दिख रहा होगा, फैलता यहां पे नजदीक नजदीक, तो जहां भी फील्ड लाइंस आपको निकट निकट दिखे घना, वहां समझ जाइएगा कि फील्ड स्ट्रांग है। एक कोई इस तरह का फील्ड लाइंस बनाए, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसके कारण हर पॉइंट पे हम अपना टेस्ट चार्ज रखे होंगे, इस दिशा में फोर्स लगा होगा तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना दिए होंगे, फिर यहां पे कोई टेस्ट पार्टिकल रखे होंगे तो इधर उस पर फोर्स लगा होगा,
फिर एक छोटा सा वेक्टर बना दिए होंगे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस तरह से छोटे छोटे वेक्टर्स को ही ज्वाइन करके आप फील्ड लाइंस बनाते हैं। एक पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइंस ये है, अलग अलग तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अलग अलग फील्ड लाइंस बनेगा। तो मान लीजिए कि कोई भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके कारण इस तरह का फील्ड लाइंस हम स्केच किए, तो अगर हम एक पॉइंट यहां दिखाएं, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, यहां भी फील्ड है, भले वहां पे लाइन नहीं दिख रहा है, सारा बना नहीं सकते, तो पॉइंट वन, पॉइंट टू और पॉइंट थ्री में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता तो नहीं सकते हैं इस चित्र से, लेकिन एक अंदाज लगा सकते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, जहां पे नजदीक नजदीक दिखेगा फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, और जहां दूर दूर दिखेगा तो इसके तुलना में यहाँ फील्ड कमजोर है और उसके तुलना में यहाँ फील्ड और कमजोर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन को कंप्लीट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी फील्ड पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट। एक्चुअली में उसका कंप्लीट डेफिनेशन के बगल में तो लिखा होता है लिमिट क्यू अप्रोचिंग जीरो, यानी इस डेफिनेशन के अनुसार टेस्ट पार्टिकल जो वहां पे आप कल्पना करेंगे कि रखे, वो जितना छोटा चुन सके मैग्नीट्यूड में उतना छोटा चुनिए। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि जो टेस्ट पार्टिकल आप रखें वो टेस्ट पार्टिकल अगर लार्ज मैग्नीट्यूड का हो गया तो उसके रखते ही वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट कर सकता है। जैसे एक लोहा का बना हुआ एक बॉडी है और वो चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी आप उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिए, अब प्रोटॉन सरप्लस हो गया है। अब इस पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए अगर हम एक टेस्ट पार्टिकल रखते हैं प्लस क्यू, तो रिपल्शन के कारण चार्ज पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। अब सारा पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होकर के पहले जो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड था मे बी यूनिफॉर्मली, अब यहां पे कम हो जाएगा, असम सिमट के इधर रिपेल होकर, तो अब इस स्थान पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं, जबकि करना था इसका यूनिफॉर्म पर। इसीलिए इस डेफिनेशन के अनुसार आपका टेस्ट पार्टिकल मैग्नीट्यूड में जितना छोटा हो सके उतना छोटा होना चाहिए, ये लिखा है। हम लोग लेकिन जब भी कैलकुलेट करना होगा तो कल्पना करेंगे कि एक प्लस वन कूलम रखा गया है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली रखने तो नहीं जा रहे हैं ना प्लस वन कूलम, सिर्फ हमारा कल्पना है। लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस स्टेटमेंट के महत्व को समझें कि क्यों कहा जा रहा है टेस्ट पार्टिकल को छोटा अमाउंट का लेना चाहिए चार्ज। इसलिए नहीं कि कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, बल्कि इसलिए कि फिजिक्स के हिसाब से टेस्ट पार्टिकल का वहां रखना अर्थात चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करना। दैट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी फील्ड पॉइंट। अब इस डेफिनेशन को यूज करके हम एक केस यहां डिस्कस किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, उसका फील्ड हम लोग निकालना सीख दिए। अगर हम अब दो चार्ज पार्टिकल दे दें, एक प्लस क्यू वन और एक प्लस क्यू टू या प्लस क्यू थ्री, तीन तीन दे दें, अब कहें कि इस स्थान पे या किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालिए, मतलब कि अगर यहां पे एक प्लस वन कूलम पार्टिकल रखा होता चार्ज, रखते थोड़े ही कुछ है, अगर वहां रखा होता तो कितना फोर्स महसूस करता। इसके कारण
इस दिशा में Q1 by 4 pi epsilon naught R1 square, इसके कारण इसको हम E1, E2 और E3 कह दें, this is the electric field due to Q1, electric field due to Q1. इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, सम ऑफ दी इलेक्ट्रिक फील्ड्स EIs, I बराबर 1 to N, यानी एक नहीं अनेक चार्ज पार्टिकल्स भी हो और किसी भी फील्ड पॉइंट पे कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड. फॉर एग्जाम्पल, यहां हम मान के चल रहे हैं कि आप एक सिंगल पॉइंट चार्ज का फील्ड निकालना तो सीख चुके. जैसे देखिए, यहां एक्स एक्सिस पे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल रखा है ओरिजिन से बराबर दूरी पर ए, और वाई एक्सिस पे एक फील्ड पॉइंट है पी, यहां से ए डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट पी, आप वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए. इसके चलते कि दोनों के चलते वो बताना होगा हमको, क्योंकि अगर हम सिर्फ इसके चलते पूछ रहे हैं तो इसके चलते इस स्थान पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा. आप कल्पना कीजिए वहां एक प्लस वन कूलम रखा है, तो ये उसको रिपेल करेगा. और किसी चीज को मत देखिए, पूरे ब्रह्मांड में आप किसी अन्य चीज को मत देखिए सिवाय इसको. ये दूरी है √2a, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो होगा वो Q/4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर, 2a स्क्वायर. और इसके चलते वहां जो फील्ड होगा वो इस तरफ होगा. यहां अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का फील्ड निकाल रहे होते हम, जगह जगह पे अपना प्लस वन कूलम टेस्ट पार्टिकल रख रख के देख रहे होते, तो वो अट्रैक्शन महसूस करता और तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दिशा हम लोग रेडियली इनवर्ड दिशा में दिखाते. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तब भी यही रहता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड का जो दिशा है वो इनवर्ड हो जाता. तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस दिशा में है Q/4πε0 × 2a मैग्नीट्यूड और दिशा. अब इस स्थान पे अगर हम इन दोनों वेक्टर को ऐड कर पाए तो वही होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. हम हर वेक्टर को कंपोनेंट से बांटेंगे. जैसे इस वेक्टर को ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, 45 वाई एक्सिस. हम अगर इस दिशा में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दें आई कैप और इस दिशा में जे कैप, यही भाषा है हमारा फिजिसिस्ट का. तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में तोड़ेंगे, इतना cos 45 और इतना sin 45. तो Q/4 8π ε0 a² इंटू cos 45 डिग्री आई कैप प्लस sin 45 डिग्री इंटू जे कैप. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पार्टिकल. इसको हम E1 बोल रहे हैं, इसको E2, E1 और E2. E2 को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड इतना है, उसका कंपोनेंट्स x कंपोनेंट है cos 45 डिग्री और y कंपोनेंट है माइनस sin 45 डिग्री. तो cos 45 डिग्री i कैप माइनस sin 45 डिग्री j कैप. और अब रिजल्टेंट वेक्टर दोनों को ऐड करना हो तो कंपोनेंट्स ऐड किया जाता है, x कंपोनेंट को एक साथ, y कंपोनेंट को एक साथ. तो y कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट, इसका y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट दोनों कैंसिल आउट करेगा और x कंपोनेंट जुट के 2 टाइम्स cos 45 डिग्री, Q/8πε0 a² 2 टाइम्स cos 45 डिग्री i कैप. इसका वैल्यू 1/√2, तो कैंसिल आउट है √2, यहां 4 × 2 है, एक और कैंसिल आउट होकर के Q/4√2πε0 a² i कैप. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यानी इस दिशा में फील्ड होगा और इतना मैग्नीट्यूड का होगा. अगर आप किसी एक के चलते निकालना जानते हैं, एक एक के चलते,
तो आप अनेक के चलते भी निकाल सकते हैं। फिर एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें। ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एक रिंग है जिसके सर्कम्फ्रेंस पे पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रिंग का रेडियस दिया है आर और टोटल चार्ज प्लस कैपिटल क्यू। इस रिंग के चलते पूरे वातावरण में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यह है रिंग का एक्सिस। इस एक्सिस पे कोई फील्ड पॉइंट अगर पी है रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, तो हमको इस स्थान पे फील्ड निकालना है। सिर्फ फील्ड पॉइंट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला बनाना है। फील्ड यहां भी है वहां भी है, पर हमको जो आवश्यकता है राइट नाउ फॉर दिस एग्जाम फॉर आईआईटी, उसमें इस एक्सिस पे कोई अगर फील्ड पॉइंट है यहां वहां सेंटर पे कहीं भी, तो हमको वहां फील्ड जानना है। वी नीड अ फॉर्मूला। जैसे यहां एक फॉर्मूला बनाए हैं, अ फंक्शन है फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, वैसे ही फंक्शन ऑफ एक्स। तो चलिए निकाल के देखें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में एलिमेंट्स में सब डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्स बोलते हैं। यहां कोई एक छोटा सा टुकड़ा चित्र में दिखाए हैं, इसमें चार्ज डी क्यू प्रेजेंट है मान लें। ये दूरी है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस डी क्यू के चलते जो वहां फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, उसको हम डीई नाम से संबोधित करेंगे। हर डी क्यू का फील्ड होगा ऐसे ऐसे, माने डी जो होगा वो एक सरफेस ऑफ अ कोन पे जैसे सब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा डी। तो ये सारा वेक्टर जो डी 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 वेक्टर है, उस डी का मैग्नीट्यूड यहां लिख रहे हैं 1/4πε0 डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस डी क्यू के कारण जो वहां फील्ड होगा वो इस दिशा में होगा और उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। फिर इस डी क्यू के कारण, इस डी क्यू के कारण, वो सभी वेक्टर्स को ऐड करना है। दीज आर नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स, एक प्लेन में भी नहीं है, स्पेस में सब इधर चित्रा। इनको ऐड करने के लिए कंपोनेंट्स में हम बांट रहे हैं। हम हर डी वेक्टर को दो कंपोनेंट में बांट देंगे। इसको हम काट दिए हैं और डी के दो कंपोनेंट को, एक पैरेलल टू द एक्सिस और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दो हिस्सों में बांट रहे हैं। सारा डी का एक एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स और एक नॉर्मल टू द एक्सिस। तो नॉर्मल टू द एक्सिस दिशा में बांटिएगा तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक प्लेन में दिखेगा, द नॉर्मल कंपोनेंट्स, और एक्सियल कंपोनेंट्स सब एक ही दिशा में दिखेगा कोलिनियर। ये जो कोप्लेनार वेक्टर्स है, फिर उनको ऐड करने के लिए फिर उनको कंपोनेंट्स में बांटना होगा इन द प्लेन, दो दो कंपोनेंट में बांटना होगा। पर वो नहीं करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उन सब का सम जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो डी क्यू चार्ज होगा, इसका जो फील्ड होगा उसका एक्सियल कंपोनेंट तो इसी दिशा में सब जुट जाएगा, सबका एक्सियल कंपोनेंट, लेकिन उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो इसको कैंसिल आउट कर देगा। यानी एक बात क्लियर हो गया कि वहां पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सिस के अलोंग होगा। हम अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना बोलते हैं, जोड़ना, तो वो जीरो आएगा पक्का। सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी will be actually equal to sum of the axial components, यानी parallel to the axis जो components है वही होगा। ये angle को theta कहें, ये theta, तो axial parallel component होगा, perpendicular component होगा d sin theta, और जो parallel component होगा वो d cos theta। cos theta का value डाल दे यहां से,
x बटे इतना, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x बटे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 इंटू डी क्यू। डी का वैल्यू हम यहां से डालें और cos थीटा के जगह पे बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो इसको मल्टीप्लाई किए हम x बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, तो न्यूमरेटर में x रह गया और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको पहले परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स को ऐड करना होगा जो कि जीरो होगा, वो हम लोग लॉजिक समझ गए। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे होगा, इट विल बी नथिंग बट द सम ऑफ द पैरेलल कॉम्पोनेंट्स ऑल अलोंग द रिंग, ऐसा बोलते हैं, यानी कि रिंग पे जितना भी चार्ज एलिमेंट्स है सबका कंट्रीब्यूशन को जोड़ना है ऑल अलोंग द रिंग, तो वो इक्वल टू आएगा इंटीग्रेट करते वक्त जो जो क्वांटिटीज कांस्टेंट होता है वो सब इंटीग्रल साइन से बाहर लिखते हैं। ये सारा क्वांटिटीज कांस्टेंट क्वांटिटीज है, x इज सम फिक्स्ड नंबर जहां पे आप निकाल रहे हैं, इस dq से के लिए भी उस फील्ड पॉइंट का दूरी इतना ही है, अगले dq के लिए भी उतना ही है, हर dq से डिस्टेंस बराबर है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। इंटीग्रल dq इज नथिंग बट टोटल चार्ज। तो आप इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकाल लिए, क्यू एक्स 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3। आप एक्सिस के हर फील्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटर पे कितना है फील्ड, एक्स के जगह जीरो डाल दीजिए तो फील्ड जीरो आ गया, यहां फील्ड जीरो होना भी चाहिए था, इस स्थान पे इस डीक्यू का फील्ड इस तरफ और इस डीक्यू का फील्ड उस तरफ, इसी तरह से डायमेट्रिकली अपोजिट डीक्यूज का फील्ड कैंसिल आउट कर जाता है, यहां फील्ड जीरो है। अगर हम इस फील्ड इस फंक्शन के वैल्यूज को प्लॉट करना चाहते हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू इंफिनिटी तक, हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के इस फंक्शन का वैल्यूज कैलकुलेट करके और एक ग्राफ के रूप में दिखाना चाहते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू जीरो लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, आप कैलकुलेट किए तो इस वर्टिकल लाइन पे डॉट हम बना दिए, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हम एक्स का वैल्यू डालें और आप ई का वैल्यू बताएं और हम डॉट्स बनाते चले जाए, तो उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो देखें कैसा आता है। ये फंक्शन का ग्राफ अभी प्लॉट करके आपको दिखाएंगे, ये कुछ इस तरह का आता है। हम इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव फंक्शन बना लें, इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी को अलग डिफरेंशिएट करने का नियम है u बाई v फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर टाइम्स डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 3 बाई 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब। अगर हम रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस यहां बचेगा 3x स्क्वायर। एक आखिरी सिंप्लीफिकेशन, ऊपर नीचे कैंसिल आउट करें जो कटता है आर स्क्वायर 3 माइनस हाफ, यहां 5 बाई 2 लिखेंगे और यहां एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर लिखेंगे। आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन बना दीजिए, लेकिन हमको चाहिए इसका साइन स्कीम, जिसके लिए हम लोग यही सीखा है
कि इसको फैक्टराइज करना जरूरी है. फैक्टराइज तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 कॉमन ले, बचेगा x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2, उसको x प्लस r बाई रूट 2 इंटू एक्स माइनस r बाई रूट 2 फैक्टराइज आप कर दिए. अब आप इसका साइन स्कीम बना सकते हैं. ये वाला फैक्टर अपना साइन चेंज करता है एट एक्स इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू, और ये फैक्टर अपना साइन चेंज करता है एट एक्स इक्वल टू प्लस आर बाई रूट. इस पूरे फंक्शन में एक्स के स्थान पे आर बाई रूट टू से बड़ा नंबर डालिएगा तो पॉजिटिव 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 सब पॉजिटिव माइनस साइन, यानी कि नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव. ये सब साइन स्कीम हम लोग पढ़ चुके हैं कैलकुलस में, बहुत विस्तार से पढ़े. अब ये मालूम चला आपको कि माइनस इंफिनिटी से जीरो तक तो आपको ग्राफ नहीं बनाना था इस फंक्शन का, आपको तो मतलब था जीरो से प्लस इंफिनिटी के बीच में. आप पता लगा लिए कि x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू आर बाई रूट टू तक पॉजिटिव स्लोप होगा ग्राफ का, यानी ग्राफ इंक्रीज करेगा, और x इक्वल टू आर बाई रूट टू से इंफिनिटी तक नेगेटिव स्लोप है ग्राफ का हर जगह, यानी वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. यानी x इक्वल टू आर बाई रूट टू पे जा करके ग्राफ पे एक मैक्सिमा दिखेगा, जहां पर वो इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करना शुरू कर जाए, वहां पे हम कहते हैं कि एक ग्राफ पे एक मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है. तो इस फंक्शन का चित्र बनाएंगे तो x इक्वल टू आर बाई रूट टू पे एक मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे. आप रिंग के सेंटर पे अपना एक प्लस वन कूलम्ब रखिएगा तो आपको कोई ताकत नहीं लगाना होगा उसको पकड़ के रखने के लिए, क्योंकि ये सारा चार्ज मिल करके उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, पर जैसे जैसे दूर ले जाइएगा ये सब मिल करके एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी रिजल्टेंट रिपल्शन एग्जर्ट करेगा. आपको उसको पकड़ने के लिए विपरीत दिशा में एक ताकत लगाना पड़ेगा. आप महसूस करेंगे कि आपको ताकत लगाना पड़ रहा है, और अधिक जैसे जैसे दूर जाएंगे और अधिक रिपल्शन महसूस करेंगे स्ट्रॉन्गर. x इक्वल टू आर बाई रूट टू दूरी पे जैसे ही पहुंचेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्शन महसूस करेंगे, और उसके बाद फील्ड कमजोर होने लगेगा, और जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे फील्ड गायब होकर के शून्य हो जाएगा. तो हम लोग को ये स्थान याद रखना जरूरी है ताकि हम इम्तिहान में इस एनालिसिस को करने में अपना समय बर्बाद ना करें. वी शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है. कितना है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये याद करना जरूरी नहीं है, केवल अब आर बाई रूट टू डाल देना है एक्स के स्थान पे. एक बार डाल के निकाल के देखते हैं. 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई रूट टू, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर स्क्वायर 3 बाई 2 आर स्क्वायर टू दी पावर 3 बाई 2, q by 4 pi epsilon naught r by root 2 बटे यहां r square to the power 3 by 2 is r cube, तो r बटे r cube is r square, और नंबर केवल बचा यहां 1 बटे root 2 और into 2 by 3 to the power 3 by 2. यहां 3 by 2 था, reciprocal of 3 by 2 ऐसे. So this is 2 root 2 बटे 3 root 3. एक root 2 cancel हो गया, q by यहां 2 बचेगा into 3 6 root 3 pi epsilon naught r square. ये होगा the maximum electric field का value. ये रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है. आपको ये function याद होना चाहिए, इस फंक्शन का ये ग्राफ कहां पे मैक्सिमा होता है वो याद होना चाहिए. तीसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके चलते हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है.
ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सरफेस. प्लस क्यू चार्ज स्पेस में कल्पना कीजिए, प्लस 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 सजा के एक स्फेरिकल सरफेस पे हम रख दें ऑफ रेडियस कैपिटल आर. अब वैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है एट एवरी पॉइंट इन स्पेस, यहां पे यहां पे यहां पे हर जगह. इसके बाहर में कल्पना कीजिए कोई एक पॉइंट पी है इसके सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर, हमको वहां पे फील्ड निकालना है. एक चित्र हम यहां बना रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग ओपी के परपेंडिकुलर अगर हम पतला पतला स्लाइसेस में सब डिवाइड करें तो ढेर सारा रिंग ऑफ चार्जेस हमको मिलेगा. कोई एक रिंग हम चित्र में दिखा रहे हैं, एक रिंग ऑफ चार्ज. यह है एक उस एलिमेंट रिंग का सेंटर, और ये रिंग का जो सरफेस है रिंग इस तरह का शेप का है, ऐसा ऐसा, और ऐसा ढेर सारा रिंग यहां से वहां है. जो सेंटर के पास वाला रिंग होगा इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं. हर रिंग्स में जो आप सब डिवाइड करेंगे, ईच रिंग इज कॉल्ड एन एलिमेंट रिंग. जैसे एक रिंग के अराउंड सरकमफेरेंस के अलोंग जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड था, और रिंग के एक्सिस पे हमको किसी भी पॉइंट पे फील निकालना था, तो हम इसको छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में सब डिवाइड किए ताकि हम एक के चलते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे निकाल सके तो सब के चलते निकालने के लिए हम लोग को एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कॉल्ड इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ा था. उसी तरह से जब हमको इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण यहां फील्ड निकालना है तो पूरे स्फेयर को हम पतला पतला स्लाइसेस में बांटेंगे. हर स्लाइस एक रिंग जैसा लगेगा देखने में ऑफ वेरिएबल रेडियस. जो सेंटर के पास जो रिंग होगा वो सबसे बड़ा रेडियस का होगा, कैपिटल आर, जो कि इस स्फीयर का रेडियस है. और जो सबसे दूर होगा सेंटर से वो जीरो रेडियस का रिंग होगा. और इस ये पॉइंट पी जो है उस सभी रिंग के एक्सिस पे होगा. इस रिंग का जो चौड़ाई है, हम कल्पना करें कि ये पोर्शन यहां सेंटर पे एक एंगल से टेंड करता है से डी थीटा, और ये वाला एंगल जो रिंग बनाता है एक कोण, कल्पना कीजिए सेंटर से रिंग के सर्कमफेरेंस तक ज्वाइन करता हुआ है. तो हम लोग किसी भी कोण का जो ये एक्सिस होता है पासिंग थ्रू द वर्टेक्स उसको एंड ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बेस, इसको हम लोग एक्सिस ऑफ द कोण बोलते हैं. और उसके किसी भी स्लंट सरफेस से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोण बोलते हैं. तो ये वाला जो एलिमेंट रिंग चित्र में दिखाए हैं, मान लें कि उसका सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, थीटा इज अ वेरिएबल. यहां वाला जो एलिमेंट रिंग होगा उसका सेमी वर्टिकल एंगल जीरो होगा, और जैसे जैसे यहां वाला जो रिंग होगा उसका सेमी वर्टिकल एंगल इससे बड़ा होगा, और बिल्कुल यहां वाला जो रिंग होगा उसका सेमी वर्टिकल एंगल 90 डिग्री होगा, और नीचे वाला जो रिंग सर्कल होगा उसका सेमी वर्टिकल एंगल इधर से मेजर कर रहे हैं हम लोग तो वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा. यहां वाला जो रिंग होगा उसका सेमी वर्टिकल एंगल 180 डिग्री होगा. यानी यहां जो एलिमेंट रिंग्स हम चित्र में बना रहे हैं उनका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से ओपी से एंगल मेजर कर रहे हैं थीटा. तो थीटा का वैल्यू वेरी करेगा फ्रॉम 0 to π. तो ये वाला जो चौड़ाई है वो हो गया आर टाइम्स डी थीटा. हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस पॉइंट पे जिसका दूरी ओ से
बी का दूरी है आर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे स्फेरिकल चार्ज के कारण, स्फेयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। हम सोचे हैं कि उसको पतला पतला रिंग्स में सब डिवाइड करें और एक एक रिंग पे जो चार्ज मौजूद है, इतने चार्ज के चलते वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लें, जो कि हम उसको डी ई कह लें। इस एक रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, वो है के क्यू, यानी इस रिंग पे जो चार्ज है वो निकाल लें, इस रिंग पे कितना चार्ज है उसको डी क्यू कहें, डी क्यू का वैल्यू निकालने के, तो के क्यू एक्स, एक्स का मतलब सेंटर ऑफ द रिंग से फील्ड पॉइंट का दूरी, जो कि इस चित्र में अगर ये कैपिटल आर रेडियस है और ये एंगल को थीटा माने हैं, तो ओ से डी सी का जो दूरी है वो हो गया आर कॉस थीटा, और इस रिंग का जो रेडियस है वो हो गया आर साइन थीटा। तो सी से उस पॉइंट का दूरी आर माइनस आर कॉस थीटा, के क्यू एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस रिंग का रेडियस का स्क्वायर द पावर 3/2। केवल हमको अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए 1/4 pi epsilon naught कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले लिए, r माइनस r cos थीटा बटे, हम इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, r माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जो कि r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा के साथ जुट के r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, और एक माइनस 2rr cos थीटा। और अब dq के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो सम फंक्शन ऑफ थीटा टाइम्स d थीटा जैसा शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा बराबर 0 से लेकर के थीटा बराबर पाई तक। तो यहां 0 लिख रहे हैं और पाई, हमको सिर्फ अब dq का वैल्यू लिखना है, dq के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं यहां पे, यानी इस रिंग पे कितना चार्ज है, तो टोटल सरफेस पे चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस एरिया हो गया स्फीयर का 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे उस रिंग के सरफेस एरिया से, उस रिंग का एरिया कितना है, उस रिंग को जरा काट के और लंबा कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, लंबा कीजिएगा तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिलेगा जिसका चौड़ाई है आर डी थीटा, और उसका लंबाई यानी रिंग का सर्कम्फरेंस का लेंथ वो 2 पाई टाइम्स रिंग का रेडियस है आर साइन थीटा, यानी कि 2 पाई आर साइन थीटा गुने आर डी थीटा। इसमें आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, केवल बचेगा क्यू बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, जिसको यहां हम डालेंगे क्यू बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। इसमें क्यू को हम बाहर ले लेंगे, 2 को भी बाहर ले लेंगे, और यहां पे हम न्यूमरेटर में साइन थीटा लिख देंगे और यहां डी थीटा, यानी हमारा जो अब जो सवाल बच गया वो मैथमेटिक्स है। हमको एक फंक्शन दिख रहा है ऑफ थीटा इनटू डी थीटा, और थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में बदल के हमको ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करके और फाइनल आंसर लाना है। अभी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन किया ऐसे ही जाएगा, उसका जो इंटीग्रेशन करने पे जो रिजल्ट आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम सिर्फ वही रिजल्ट आपको यहां बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर
और वो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। यहां लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फॉर पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर या आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो ऐसे बिहेव करता है ये स्फीयर, जैसे कि ये सारा चार्ज सिमट के एक पॉइंट पे समा गया। यहां पे निकालना है फील्ड, तो इस पॉइंट पे फील्ड इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको तुरंत कल्पना कीजिए एक पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट द सेंटर और फील्ड निकाल लीजिए यूजिंग फॉर्मूला फॉर द पॉइंट चार्ज। ये इंटीग्रेट करने पर मिलता है, इसको इंटीग्रेट करने पर सिर्फ इतना ही बचता है बस, उसमें इसका रेडियस आता ही नहीं है कहीं भी द रेडियस। पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप सिर्फ ऐसे फील्ड पॉइंट्स पर फील्ड निकालने के लिए जो सरफेस पे हो या सरफेस से बाहर, और सरफेस के अंदर अगर हम किसी पॉइंट पे फील्ड निकाल लें, न्यूटन फिर से उसको इंटीग्रेट किए, अगर ये पॉइंट अंदर में कोई पॉइंट पी है, यहां फील्ड निकालना है, यहां वाला प्लस क्यू प्लस सब, यहां इसके चलते फील्ड इधर होगा, इसके चलते इधर होगा, इसके चलते इधर होगा, इसके चलते इधर होगा, यहां वाले के चलते इधर होगा, तो अंदर में फील्ड न्यूटन फिर से इंटीग्रेट किए एंड ही प्रूव कि अंदर में फील्ड हर जगह जीरो है फॉर एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल रीजन द फील्ड इज जीरो। यही हम लोग को याद करना है, हम लोग को इस प्रूफ से मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ इस रिजल्ट से मतलब है कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का व्यवहार कैसा होता है। अंदर में किसी भी पॉइंट पे आप टेस्ट पार्टिकल रख दीजिए प्लस वन कूलम, इंडिविजुअल देखिएगा तो हर चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स लगाएगा। यहां वाला डीक्यू डीक्यू में कल्पना कीजिए बांट दीजिए, यहां वाला चार्ज पार्टिकल इधर रिपेल करेगा, यहां वाला इधर, इधर वाला, बट रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अंदर। ये बात मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है, बस ऐसे ही मत मान लीजिए कि हम बोल दिए तो मान लिए, नो, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल से प्रूव होता है कि अंदर में फील्ड जीरो होगा। और बाहर में फील्ड जब निकालना हो तो तुरंत इसको कल्पना कीजिए एक पॉइंट चार्ज। यही बात आपको अंत में सीखना है, ये सारा मैथमेटिक्स नहीं सीखना है। एक बार फिर से पढ़ दे, फॉर फील्ड पॉइंट्स इनसाइड दिस स्फेरिकल रीजन द फील्ड इज जीरो एवरीवेयर, फॉर फील्ड पॉइंट्स ऑन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यही सीखे हम, यानी कि अब हम कुछ फील्ड लाइंस को स्केच कर सकते हैं यहां पे। बाहर में फील्ड बिल्कुल पॉइंट चार्ज की जैसा फील्ड होता है, बस अंतर इतना ही है कि फील्ड लाइंस अंदर में नहीं दिखाते हैं लोग, अंदर में देयर इज नो फील्ड। और इस फंक्शन का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं की दिखाइए, ई एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ये आर इक्वल टू जीरो से लेके आर इक्वल टू आर, इस इंटरवल में यहां से वहां तक फील्ड जीरो है। यहां होल बनाए हैं ग्राफ पे, यहां डॉट, यानी आर इक्वल टू कैपिटल आर डिस्टेंस पे सरफेस पे अचानक से फील्ड अपने चरम पे पहुंच जाता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसकी सरफेस पे मौजूद महसूस होता है। जरा सा अंदर गए फील्ड जीरो, और जैसे ही सरफेस पे पहुंचे देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड, और फिर फील्ड उसके बाद बड़ा तेजी से गिरता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जैसा कि पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है। सरफेस पे जो फील्ड है उसको हम अगर ई नॉट कहें तो हम इसी फंक्शन को एक वैकल्पिक रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। अंदर में तो फील्ड जीरो होगा, कहीं है ही नहीं, और बाहर में फील्ड अगर सरफेस का फील्ड को ई नॉट कहें
E0 के टर्म्स में हम इस फंक्शन को लिखेंगे। E0 का वैल्यू यहां पे है फील्ड एट द सरफेस क्यू बाई 4πε0r2। इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तुरंत कल्पना कीजिए इसको पॉइंट चार्ज, r डिस्टेंस की दूरी पर फील्ड इतना होगा। तो अगर हम यहां पे q by 4πε0, इस बार हम फंक्शन को q के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, वेयर q इज द टोटल चार्ज। तो देखिए हम q by 4πε0 की जगह E0 into capital R square यहां डाल दें तो हमको एक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा। इसको समझना आवश्यक है। हम लोग को पता है कि बाहर में कोई पॉइंट ले लें R1 डिस्टेंस की दूरी पर, यहां पे फील्ड को अगर हम E1 कहें, और कोई दूसरा पॉइंट ले लें हम R2 डिस्टेंस की दूरी पर और वहां फील्ड को E2 कहें, कोई फील्ड पॉइंट R3 डिस्टेंस की दूरी पर लें और वहां पे फील्ड के मैग्नीट्यूड को E3 कहें, तो हमको यही पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी ये पता है कि E into R square का वैल्यू सेम होगा हर पॉइंट पे, यानी E1 into R1 square will be equal to E2 into R2 square will be equal to E3 into R3 square and so on and so forth। एक ट्रू फिजिसिस्ट को अंत में यही महत्वपूर्ण बात समझ में आना चाहिए कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फील्ड है बाहर में, सरफेस से बाहर में, उसका स्वभाव कैसा है। अगर कोई पूछे तो बस इतना ही बोलिएगा तो हम समझ जाएंगे कि यू आर अ गुड फिजिसिस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स आउटसाइड द स्फेरिकल रीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखिए इस बात का क्या महत्व है। अब हम कैपिटल आर डिस्टेंस की दूरी पर फील्ड को हम E0 कहे हैं और R डिस्टेंस की दूरी पर फील्ड को अगर E कहे तो E0 इंटू आर स्क्वायर मस्ट इक्वल E इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। हेंस E एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल टू, ये आवश्यक था जो अभी आपको हम समझाएं। हमारा जो नेक्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है फोर्थ, वो है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, टोटल चार्ज प्लस क्यू, उसके पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है। हम यहां एक बाउंड्री बना रहे हैं और प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी घनत्व सब जगह बराबर है। किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना हो आर डिस्टेंस की दूरी पर, अभी हम एक पॉइंट कंसिडर किए हैं इस स्फेरिकल रीजन से बाहर, फिर अंदर में एक बार कंसिडर करेंगे। और बिल्कुल उसी प्रकार का हम लोग को दो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर पॉइंट्स इनसाइड द स्फेरिकल रीजन एंड फॉर पॉइंट्स ऑन द सरफेस और आउटसाइड द स्फेरिकल रीजन। तो कैसे निकलेगा इस बार इंटेलिजेंट न्यूटन, ही सजेस्ट कि हम इस पूरे स्फेरिकल रीजन को पतला पतला स्फेरिकल शेल्स में बांट लें। तो इस चित्र में हम कोई एक शेल दिखाए हैं से एक्स रेडियस का और dx थिकनेस का, पतला 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 कॉन्सेंट्रिक शेल्स में हम लोग सब डिवाइड करते हैं। अलग अलग रेडियस का होगा, जो सबसे छोटा शेल होगा वो 0 रेडियस का होगा और जो सबसे बड़ा शेल होगा आखिरी पतला सा उसका रेडियस कैपिटल आर। इस शेल में कितना चार्ज है dq, तो टोटल चार्ज q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये कहलाएगा चार्ज डेंसिटी। पिछली बार जो चार्ज था वो एक सरफेस पे स्प्रेड था, तो वहां चार्ज डेंसिटी हम लोग निकाले थे चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, कूलम्ब प्रति स्क्वायर मीटर। लेकिन यहां जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ वॉल्यूम, तो यहां चार्ज डेंसिटी हम लिखे हैं कूलम्ब प्रति क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस शेल के वॉल्यूम से, पतला सा
उस ये जो काला काला शेड की है ये वॉल्यूम चाहिए, तो उसके अंदर का वॉल्यूम से नहीं, तब तो ये सारा चार्ज निकल जाएगा। ई वाला वॉल्यूम जो काला काला शेड, उसका थिकनेस को हम dx माने, यानी हम dx 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 थिकनेस का पतला पतला स्फेरिकल शेल्स कल्पना किए हैं, सबका रेडियस अलग अलग है लेकिन थिकनेस सबका सेम है, dx 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 रेडियस अलग अलग, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो उस स्फेरिकल शेल को जरा टुकड़ों में तोड़ दीजिए और स्प्रेड कीजिए एक सरफेस पे, तोड़ तोड़ के सटा सटा कर, तो एक पतला सा शीट के रूप में आपको मिलेगा, शीट जिसका सरफेस एरिया होगा 4πx², एक स्फीयर का जो सरफेस होगा, और थिकनेस उस शीट का है dx, उसका वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इनटू थिकनेस, तो उसका वॉल्यूम है 4πx² गुने dx। अब 4π काट दें तो 3q/r³ टाइम्स x² dx। इस स्फेरिकल शेल में इतना चार्ज है, तो अब एक के चलते अगर हम वहां पे निकाल लें फील्ड, तो हम सबके चलते निकाल सकते हैं, और एक के चलते तो अभी जस्ट सीखा है, एक स्फेरिकल चार्ज है dq, x रेडियस के स्फीयर पे फैला हुआ, और आपको उसके सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस की दूरी पर फील्ड चाहिए। ये पॉइंट इस स्फेरिकल रीजन के बाहर है, तो वहां पे फील्ड निकालने के लिए हम इसको तुरंत इमेजिन करेंगे, यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा है dq, और वहां फील्ड उसके चलते होगा k dq/r², और उसी को इंटीग्रेट करना है, यानी 1/4πε₀ dq/4πε₀r², यही है फील्ड वहां पे, उसको हम dE कह लेंगे। इस एलिमेंट चार्ज के चलते वहां जो फील्ड है उसको हम dE कहेंगे, और सबके चलते निकालने के लिए हम अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इसमें जो जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो r इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, स्मॉल r, वो वेरिएबल नहीं है, x इज अ वेरिएबल। इंटीग्रल dq ऑल ओवर दिस स्फेरिकल रीजन हमको इंटीग्रेट करना है, यानी यहां से लेके वहां तक जितना भी एलिमेंट्स में हम सब डिवाइड किए थे, सब का कॉन्ट्रीब्यूशन वहां निकालना है। तो ये बड़ा सिंपल रिजल्ट हो गया, क्योंकि ये सब बाहर आ गया, इंटीग्रल dq, असल में इसको भी आप एक यहां पे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, सारा शेल्स के बाहर आप खड़े हैं ना, तो एवरी शेल विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो सारा पॉइंट चार्ज को इकट्ठा कर दीजिए, dq 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 कैपिटल q, यानी उस स्थान पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बिल्कुल वैसा ही जैसे कि एक पूरा स्फेरिकल वॉल्यूम का चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा। सो द रिजल्ट इज वेरी सिंपल, न्यूटन का इंटेलिजेंस को देख रहे हैं आप, पहले एक पॉइंट चार्ज, फिर रिंग को पॉइंट चार्ज में बांटा, फिर शेल को रिंग्स में बांट दिया, और अब स्फेयर को शेल्स में बांट रहे हैं। अगर आप ये नहीं समझे हैं तो नहीं समझ पाएंगे, मैथमेटिक्स इसी का डिफिकल्ट था, उसका नहीं, क्योंकि अब तो ये कुछ करना ही नहीं पड़ा, शेल्स में जैसे ही बांटे हर शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार किया जा रहा है। सो इसका मैथमेटिक्स में तो कोई दम ही नहीं था, इनफैक्ट हमको इस समय ये रिजल्ट का आवश्यकता भी नहीं, वो dq तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और सब dq से जुट करके सिर्फ q रह जाएगा। अब अंदर में देखें कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स इनसाइड। अब हम कल्पना करें एक फील्ड पॉइंट p स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है, पॉइंट पी सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है, इस बार स्मॉल r का वैल्यू
जीरो से लेके कैपिटल आर के बीच में ये संख्या है। अब यहां पे फील्ड निकालने के लिए भी सेम मैकेनिज्म हम लोग यूज करेंगे। हम ये वाला जो स्फेरिकल रीजन है इसमें जितना चार्ज है उसको हम क्यू प्राइम कह लें और इसके एक बाउंड्री बना लिए हैं, काल्पनिक आर रेडियस का एक बाउंड्री बना लिए। इस बाउंड्री के अंदर जितना चार्ज है उसको क्यू प्राइम कह लें और इस बाउंड्री के बाहर जो चार्ज है उसको हम क्यू डबल प्राइम कह लें। दोनों जोड़ करके कैपिटल क्यू है। अब इस पॉइंट पे जो फील्ड निकालना है तो हम इस बाउंड्री के अंदर जितना चार्ज है हम पतला पतला शेल्स में अगर बांटे होते इस पूरे रीजन को, तो यहां पर फील्ड निकालने के लिए ईच शेल को हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते थे, क्योंकि शेल के बाहर में अगर किसी पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं तो उस शेल पे मौजूद सारा चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है। तो इस पूरे क्यू प्राइम चार्ज को हम समेट के यहां पे रख सकते हैं क्यू प्राइम, इस पॉइंट पे फील्ड निकालने के, और इसके बाहर वाला जो इलाका है इसको पतला पतला हम शेल्स में बांटे। तो इस शेल में जितना चार्ज है उसके चलते इस पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके। यानी स्मॉल आर रेडियस के बाहर का जो इलाका दिख रहा है इस इलाके में को हम लोग पतला पतला शेल्स में बांटेंगे, तो ईच शेल में जो चार्ज है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पी पे जीरो होगा। यानी पी स्थान पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ इस क्यू प्राइम के कारण ही होगा। कितना होगा तो वो अब क्यू प्राइम को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, क्यू प्राइम बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। केवल क्यू प्राइम निकालना है एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व। क्यू प्राइम का वैल्यू निकल जाएगा, टोटल चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, तो ये चार्ज डेंसिटी है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस रीजन के वॉल्यूम से, यानी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू से। ये 4/3 पाई कट जाएगा, क्यू टाइम्स स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब यहां लिख रहे हैं। एक स्मॉल आर कट जाएगा और यह फॉर्मूला आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब टाइम्स आर। क्या क्या चीज हम लोग नोटिस किए अब तक? ये आसान था, कठिन नहीं था, हम लोग इसको कंप्लीट कर भी नहीं पाए उस इंटीग्रेशन को, दिस वॉज इजियर। हम लोग यही सीखे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म हो और एक स्फेरिकल रीजन में चार्ज प्लस 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 फैला हो स्पेस में, तो इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बाहर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसा ही जैसा कि एक पॉइंट चार्ज का होता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, कहीं भी निकालना हो पूरे चार्ज स्फेरिकल चार्ज को एक पॉइंट चार्ज और निकालिए, और अंदर में कहीं निकालना हो तो सिर्फ स्मॉल आर रेडियस में जो चार्ज होगा उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके सिर्फ उसी के चलते होगा। ऐसा करके हम फॉर्मूला बना लिए, फील्ड अंदर में भी है इस बार। तो पिछला बार जब हम लाइंस बना रहे थे, फील्ड लाइंस बोलते हैं इनको, फील्ड लाइंस बोलते हैं, तो हम बाहर में फील्ड बनाए थे, अंदर में फील्ड नहीं है तो नहीं बनाए थे। यहां पे फील्ड अंदर में भी है, यहां भी एक +1 कूलम रखा होगा, तो सारा चार्ज मिलके उसको इस दिशा में पुश करेगा। अगर नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो आप यहां पे एक +1 कूलम रखते तो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्शन महसूस करता, फील्ड सेंटर की तरफ। अब किसी भी पॉइंट पे हम फील्ड बता सकते हैं दिशा भी और मैग्नीट्यूड भी। ये नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो फील्ड लाइंस का दिशा अंदर की तरफ होता, मगर यहां पे उस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर इक्वल टू जीरो से लेके आर इक्वल टू आर तक, इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसा है, सम कॉन्स्टेंट
इंटू स्मॉल आर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू आर, वाई बराबर एम एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग आप एक वेरिएबल को प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग दूसरे। तो अगर ऐसा संबंध होता है दो क्वांटिटी में, इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध बोलते हैं। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि सेंटर पे फील्ड जीरो है और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज करता है और सरफेस पे आने पर फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, उसको हम ई नॉट कह रहे हैं, और यहां के बाद फील्ड गिरने लगता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अंदर में फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और बाहर में फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी अ गुड फिजिसिस्ट इज वन जो इस पूरे बात को पढ़ने के बाद ये शब्दों में बोल सके। यहां पे हम ई नॉट बोल रहे हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो महसूस करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो सरफेस पे कितना होगा। सरफेस पे निकालिए फील्ड, इस पूरे चार्ज को एक पॉइंट चार्ज की तरह इमेजिन कीजिए, कैपिटल आर डिस्टेंस पे फील्ड क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो हम लोग यहां लिखे थे। हम इसी फॉर्मूला को फंक्शन को अगर ई नॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, विच इज एक्चुअली ब्यूटिफुल द फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ ई नॉट इज ब्यूटिफुल जो यहां पे हम किए। यानी सामान्य रूप से लोग इसी को रखते हैं, हम इसको प्रेफर करते हैं। हम लोग तुरंत लिख सकते हैं इन दोनों फॉर्मूला को अगर हम लोग इसका मूल व्यवहार समझ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह E नॉट इंटू आर स्क्वायर लिखना है, यहां भी लिखिएगा E नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर तो कट के एक कैपिटल आर बन जाएगा, और यहां भी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह E नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर लिखिएगा। बट हम वैसे नहीं चाहते हैं कि आप करें, हम चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि अंदर में कोई भी पॉइंट ले ले R1 डिस्टेंस की दूरी पर, वहां फील्ड को E1 कहें, और कोई दूसरा पॉइंट ले ले R2 डिस्टेंस की दूरी पर और वहां पे फील्ड के मैग्नीट्यूड को E2 कहें, तो अंदर में फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का मतलब E1 बटे R1 E बटे R का वैल्यू सेम होगा हर पॉइंट पे। अंदर में E1 बटे R1 इक्वल E2 बटे R2, ये बात अंदर के लिए ट्रू है, और बाहर के लिए ऐसा स्टेटमेंट का मतलब E1 into R1 square will be E2 into R2 square, ये बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए ये बात सत्य होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस वो सेम मिलेगा एट ऑल पॉइंट्स आउटसाइड एंड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड। और सरफेस पे कौन सा रिजल्ट को हम लोग लेंगे, यहां पे फंक्शन जो बनाए हैं देखिए ध्यान से, आप इस फंक्शन में स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर लिख दें या इसमें डाल दें स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर, तो वैल्यू सेम आ रहा है ई नॉट। इसीलिए देखिए हम यहां पे इक्वालिटी साइन दोनों तरफ लगाए, यानी कि आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। R इक्वल कैपिटल R पे जब निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यू मे यूज दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला। ये फंक्शन को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस था, अचानक से इस फंक्शन का वैल्यू R इक्वल टू कैपिटल R पे जैसे ही आप वर्टिकल लाइन को पहुंचाते हैं, ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं ना, वर्टिकल लाइन शिफ्ट करते हैं, फंक्शन का वैल्यू प्लॉट करते जाते हैं, तो अचानक से R इक्वल टू कैपिटल R पहुंचते ही फंक्शन के वैल्यू में सडन चेंज होता है, आपको कलम उठा के फिर से ग्राफ बनाना पड़ता है।
इसी बात को हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं कि दिस फंक्शन हैज अ डिसकॉन्टिन्यूटी एट आर इक्वल कैपिटल आर। यहां इक्वालिटी साइन हम दोनों तरफ नहीं दिए हैं, एक तरफ, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछे एट डिस्टेंस कैपिटल आर, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके इसमें डालेंगे आर के जगह कैपिटल आर, जबकि वहां हम दोनों तरफ इक्वालिटी साइन डालेंगे। मीनिंग देयर बाय कि आप दोनों में से किसी फंक्शन में डाल के आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ग्राफ बनाते वक्त आपको कलम नहीं उठाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं मैथमेटिक्स में इसी को। तो अगर हमको ये बात पता है, ये बात, तब हम लोग ये फॉर्मूला, ये सब नहीं भी बताइएगा तो बता देंगे। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट कहें और डिस्टेंस को कैपिटल आर, अंदर में कोई पॉइंट आर डिस्टेंस की दूरी पर ले और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई कहें, तो अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए हमको पता है ई नॉट इन बटे कैपिटल आर इज इक्वल टू ई बटे स्मॉल आर। ये इसलिए पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड, यानी ई बटे आर का वैल्यू सेम होगा। इसी से हमको ई बराबर आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहां स्मॉल आर है तो यहां कैपिटल आर होना ही चाहिए था, तभी तो ये क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहे हैं ये। अगर यहां स्मॉल आर स्क्वायर होता तो यहां कैपिटल आर स्क्वायर होना ही होता, नहीं तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता है। जैसे इस फॉर्मूला में नीचे में स्मॉल आर स्क्वायर है, ऊपर में कैपिटल आर स्क्वायर है, ये दोनों डायमेंशनली कैंसिल आउट हो जाएगा और इस क्वांटिटी का डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन के बराबर होता है। अब हम लोग दो तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे डिक्शनरी में ऐड हो गए, पॉइंट चार्ज, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको शेल भी बोलते हैं, शेल खोखला, और उसको स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये शब्द को क्लियर होना चाहिए, जब भी कहें कि देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर तो आप समझेंगे ऐसा, और जब ऐसा बोलना होगा तो हम बोलेंगे सरफेस या बोलेंगे शेल तो आप समझ जाए। देखिये हम लोग नेक्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग को सिलेबस में लिखा है वो है ड्यू टू फील्ड, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखें हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्लस 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 चार्ज एक स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस पे, प्लस 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 प्लस, और जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा कूलम्स प्रति मीटर। इस बार चार्ज एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और ना ही चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज डेंसिटी इस बार हम लोग जो बोलते हैं उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यहां पे दिया है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्स प्रति मीटर, यानी इसका एक मीटर लेंथ अगर काट ले तो उसमें टोटल चार्ज लैम्डा कूलम्स, दैट इज गिवन। और यहां लिखे एक शब्द इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या, ये इतना बड़ा एक लाइन है यहीं पे प्लस 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 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्या इसको हम इनफाइनाइटली लॉन्ग कहें कि नहीं कहें? तो पहले तो ये शब्द इन्फिनिटी को समझना जरूरी है। दो शब्द हम लोग बनाए हैं, कोई भी चीज जब अत्यधिक विशाल दिखता है हमको तो हम उसको इन्फाइनाइटली लार्ज बोलते हैं, और कोई भी चीज जब
अत्यधिक सूक्ष्म दिखता है हमको, रादर नहीं दिखता है, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट डेसिमली स्मॉल बोलते हैं। जैसे ये बोर्ड को देखिए, कल्पना कीजिए कि इस बोर्ड पर एक चींटी बैठा है, बोर्ड के मध्य में, मध्य मतलब एग्जैक्टली सेंटर नहीं, मध्य के निकट एक नेबरहुड कल्पना कर लीजिए थोड़ा सा, उतने दूर में कहीं पे एक चींटी है जो परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है इधर से उधर उधर से। उस चींटी से अगर हम पूछें कि बोर्ड का डायमेंशंस कैसा दिख रहा है, जैसे हम पृथ्वी के सरफेस पे खड़े हैं ना, ये पृथ्वी है, हम यहां खड़े हैं छोटा सा, तो हमको पृथ्वी का जो आकार पता ही नहीं चलता है, शक्ल भी नहीं कि ये स्फेरिकल गेंद जैसा है, हम लोग को ये फ्लैट ही जैसा लगता है सरफेस, ऐसा ही है हमारा अस्तित्व पृथ्वी पे, ये भी बहुत बड़ा बना दिए हम और भी छोटा, पर जैसे तो पृथ्वी हमसे पूछा जाए कि कैसा प्रतीत हो रहा है यहां से देखने पे, तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइटली लार्ज प्रतीत हो रहा है, जैसे ये चींटी बोलेगा उसको और छोर नहीं दिख रहा है इस बोर्ड का, तो वो इस बोर्ड को कहेगा कि उसको इनफाइनाइटली लार्ज बोर्ड दिख रहा है। और उसी चींटी को थोड़ा दूर कर दीजिए बोर्ड से, यहां अब उसको और छोर दिखने लगा, मतलब उसको यहां से बोर्ड से 1 सेंटीमीटर दूर तक ले जाइएगा तब भी उसको इनफाइनाइटली लार्ज ही दिखता रहेगा, लेकिन कुछ यहां तक ले जाइए कुछ 40 सेंटीमीटर दूर, अब उसको बाउंड्री दिखने लगा। जैसे हम लोग अगर पृथ्वी से दूर चले जाएं रॉकेट में बैठ के कहीं यहां, अब हमको उसका आकार दिखने लगता है, अब हमको पृथ्वी इनफाइनाइटली लार्ज नहीं दिखता है, अब अभी भी लार्ज दिख रहा है बट अब कहेंगे फाइनाइटली लार्ज, फाइनाइटली लार्ज। लेकिन अगर हम और दूर चलते चले जाए, धीरे धीरे ये एक फुटबॉल का आकार का दिखने लग सकता है पृथ्वी, इतना दूर चले जाए हम, और दूर चले जाए तो धीरे धीरे ये टेनिस बॉल के आकार का दिखने लगेगा, और दूर चले जाए तो डॉट और अंत में ओझल हो जाएगा। यानी कि किसी भी चीज का जो आकार है वो रिलेटिव होता है, पृथ्वी बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, इट डिपेंड्स कि हम कहां से बैठ के पृथ्वी को देख रहे हैं, वो इतना छोटा भी दिख सकता है हमको कि हम कहें कि अरे तो एकदम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। इसी बोर्ड को चींटी जब यहां से देखेगा तो कहेगा कि बोर्ड फाइनाइटली लार्ज है, यानी प्रकृति में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज रिलेटिव है। तो ये बोर्ड बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, इट डिपेंड्स कहां से देख रहे हैं। इसी चींटी को थोड़ा दीवार के उस छोर तक ले जाइए या सड़क के पार, अब वो बोर्ड इसको इतना बड़ा नहीं दिखेगा, काफी छोटा दिखेगा। और अगर सहजानंद चौक तक ले जाइए, अब ये बोर्ड बहुत छोटा दिखने लगेगा, और मंदिर तक ले जाइए तो दिखना बंद हो जाएगा। तो ये हम यहां पे एक लाइन में दिखाए हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और कह रहे हैं कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो उसका मतलब ये है कि हम उस लाइन के बहुत निकट खड़े हैं, इतना ही मतलब। अगर हम इस लाइन के मध्य के निकट खड़े हों, तो उसके चारों तरफ थोड़ा बहुत डिस्टेंस की दूरी पर रहते हुए हम परिक्रमा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज हमको लाइन का और छोर ना दिखे, हमारे लिए यही लाइन इनफिनिटली लॉन्ग है। 1 सेंटीमीटर लंबा हम प्लस 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 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, कैन वी कॉल इट इनफिनिटली लॉन्ग? यस वी कैन। अगर हम उस लाइन के मध्य से चारों तरफ एक सर्कल बना लें ऑफ अ रेडियस 1 नैनोमीटर व्हिच इज 10^-9 ऑफ अ मीटर, तो उतना दूर सट के, उतना निकट सट के खड़ा होकर देखेंगे तो हमको वही लाइन डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइटली लॉन्ग दिखेगा। तो हमको अभी फील निकालने के लिए निकालना है ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, का मतलब उसके बहुत निकट कोई फील्ड पॉइंट हो, उसके मध्य के निकट चारों तरफ, मध्य के निकट माने जहां से और छोर ना दिखे, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, बट यहां पे भी खड़ा होकर देखें तो हमको वो नहीं दिखे और यहां से ये भी नहीं दिखे, एज लॉन्ग एज
ऐसे फील्ड पॉइंट्स पे हमको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे कहेंगे कि फील्ड निकालिए तो नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, वहां भी फील्ड है पर हम इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए कल्पना कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट पी है, यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, आर डिस्टेंस की दूरी पर बहुत सारा पॉइंट है, एक सर्कल बना सकते हैं आप, ये थोड़ा एग्जैजरेटेड दूरी दिखाए हैं यहां से देखने पे तो, पर चलिए अभी कल्पना कर लीजिए कि ये डिस्टेंस आर इस डायमेंशन के तुलना में बहुत छोटा है और इस डायमेंशन के तुलना में भी बहुत छोटा है, यही मतलब होता है इनफिनिटली लॉन्ग का। यहां फील्ड निकालना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं उसको ओ बोल रहे हैं, इस दिशा को एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो गया, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गया। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में सब डिवाइड कर दे रहे हैं, ईच ऑफ लेंथ डीएक्स। ये जो एलिमेंट है सब डीएक्स डीएक्स लंबाई का है, लेकिन दूरी सबका अलग अलग है, पोजिशन हमारे एक्स एक्सिस पे सबका अलग अलग है। एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक डीक्यू 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 चार्ज रखा हुआ है। ईच एलिमेंट में, इस ईच एलिमेंट में जो चार्ज प्रेजेंट है वो है लैम्डा टाइम्स डीएक्स, कूलम प्रति मीटर मल्टीप्लाइड बाई उस टुकड़े का लंबाई। तो हम इसके चलते फील्ड पहले निकाल लें, एक पॉइंट चार्ज के चलते फील्ड इस दिशा में होगा डीई कह लीजिए, ये एंगल को थीटा बोल रहे हैं, इस एंगल को थीटा, डीई का वैल्यू लिख सकते हैं कोई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डीक्यू बटे दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर। इस एक डीक्यू के चलते इस स्थान पे फील्ड निकाल लिए इस तरफ होगा, यानी यहां एक प्लस वन कूलम रखा होता तो इसमें मौजूद जो चार्ज है वो उसको इस दिशा में फोर्स लगाता इतना मैग्नीट्यूड का, इतना न्यूटन प्रति कूलम। अब हर्ट के चलते डी 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 सबको सारे वेक्टर्स को कंबाइन करना है, वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर हियर, सब एक लाइन पे नहीं है, सब एक प्लेन में है लेकिन कोलिनियर नहीं है। तो हम इन सबको बांटेंगे दो दो कंपोनेंट्स में, इसको काट दिए और इस कंपोनेंट को डी कॉस थीटा कंपोनेंट कहेंगे और इसको डी साइन थीटा कंपोनेंट। सभी डी का डी कॉस थीटा को अलग से इंटीग्रेट करेंगे और सभी डी साइन थीटा को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, जो कि नहीं करेंगे उसका वैल्यू जीरो आएगा, क्यों? फ्रॉम सिमेट्री। माइनस एक्स पोजिशन पे जो डी एक्स होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डी साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा वो इसको कैंसिल आउट कर देगा, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज द सम ऑफ द डीई कॉस थीटा कंपोनेंट्स, यही लिखे हैं। अब इसको हम यहां पे एंड ये सम करना होगा ऑल अलोंग द लाइन, पूरे लाइन, यानी x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी तक। तो पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लें, इंटीग्रल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, विच इज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आर बटे इतना, आर बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ऑल अलोंग दी लाइन लिखे हैं। एक्स का वैल्यूज कितना से कितना के बीच में वैरी कर रहा है, जो कि इस केस में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ऐसा लिखेंगे, या अगर हमको इस बात का बोध है सिमेट्री से कि इसका कंट्रीब्यूशन नीचे वाले हाफ का कंट्रीब्यूशन और अपर हाफ का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर होगा सिमेट्री से, इस एलिमेंट के चलते डी कॉस थीटा और उसके चलते दोनों बराबर होगा, तो हम इसी को चाहें तो जीरो से खाली इन्फिनिटी तक का कंट्रीब्यूशन को जोड़ दें और दोगुना कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी हम यहां लिख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू, अब सेकंड स्टेप में हम लिख दे रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सब चीज को बाहर निकाल रहे हैं, जो जो कांस्टेंट है लैम्डा आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ,
इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें x इज अ वेरिएबल, सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल सकते हैं। अब हम यहां 0 टू प्लस इंफिनिटी लिख रहे हैं और 2 से गुना कर रहे हैं। अब जो रिजल्ट आएगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इसमें एक सब्स्टिट्यूशन खाली करेंगे, x के जगह r tan थीटा, r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिखिए। अब r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट r sec थीटा का क्यूब, r क्यूब sec क्यूब थीटा, ये 1 by r क्यूब और sec क्यूब थीटा, जिसको हम cos क्यूब थीटा या रहने दीजिए sec क्यूब थीटा। हम x के जगह अगर r tan थीटा पुट करते हैं तो dx के जगह, x के जगह अगर आप r tan थीटा पुट करते हैं तो dx के जगह r sec स्क्वायर थीटा d थीटा पुट करेंगे यहां। अब sec क्यूब थीटा sec स्क्वायर थीटा काटिएगा तो एक sec थीटा बचेगा, यानी इंटीग्रल cos थीटा d थीटा सिर्फ बचता है ये, और r क्यूब बाहर आ जाता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, dx के जगह लिखेंगे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे में यहां r है, कट के r स्क्वायर है, बाहर आएगा तो एक बाहर में r है, सिर्फ r बचेगा, अंदर में cos थीटा d थीटा बचेगा, एंड थीटा वेरीज फ्रॉम कितना टू कितना। अगर आप x के जगह r tan थीटा आप वेरिएबल चेंज कर दिए हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इंटीग्रेशन में, ये पूरा इंटीग्रांड में जो वेरिएबल था वो था x, अब आप नया इंटीग्रांड बनाए हैं उसमें वेरिएबल है थीटा, तो थीटा वेरीज फ्रॉम कितना टू कितना। तो देखिए आप जो सब्स्टिट्यूशन किए हैं उसमें x का वैल्यू अगर 0 हो तो tan थीटा बराबर 0 बटे r यानी 0, यानी थीटा का वैल्यू 0, और x बराबर इंफिनिटी डालिएगा, इंफिनिटी बटे r इज इंफिनिटी, एंड tan थीटा बराबर इंफिनिटी यानी थीटा बराबर पाई बाई 2, तो इस बार आप ये होगा। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन तो हम लोग कर सकते हैं, उसका एंटी डेरिवेटिव जानते हैं sin थीटा, और लिमिट्स डालेंगे sin ऑफ पाई बाई 2 माइनस sin ऑफ 0, तो इसका वैल्यू 1 आएगा इसका, एंड देयरफॉर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r का एक फॉर्मूला निकल गया, जो हम लोग को इवेंचुअली इसी को याद करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही याद करना है, कभी नहीं भूलना है कि ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज करेंगे आप ओनली फॉर पॉइंट्स क्लोज टू द लाइन चार्ज, यानी कि इससे अगर हम दूर पे अगर कह दें कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, सिर्फ इसके निकट भी फील्ड पॉइंट हो उसके चारों तरफ कहीं पे भी तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और फील्ड किस तरह से पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन भी देख लीजिए, इस तरह से उसको रेडिली आउटवर्ड डायरेक्शन नहीं बोलते हैं, रेडिली आउटवर्ड बोलते हैं जब स्फेरिकल सिमेट्री होता है तो रेडिली आउटवर्ड बोलते हैं, एक पॉइंट से रेज जैसे निकल रहा है, इसको हम लोग एक्जियली आउटवर्ड बोलते हैं, एक एक्सिस से बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे 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 है, तो इसको हम लोग एक्जियली अवे बोलते हैं। अगर पूछे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर है तो आप बोलेंगे एक्जियली अवे है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता लाइन डिस्ट्रीब्यूशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा पूछते बताइए किधर है, तो आप बोलते एक्जियली इनवर्ड है, जैसे रेडिली आउटवर्ड और रेडिली इनवर्ड वो स्फेयर में इस्तेमाल करते हैं शब्द। अब एक आखिरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे सिलेबस में है, वो है ड्यू टू एन इन्फिनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइट शीट, शीट उसका चार्ज डेंसिटी दिया है प्लस सिग्मा, जैसे प्लस 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 एक प्लेन सरफेस में कल्पना कीजिए कि स्प्रेड किया हुआ है स्पेस में प्लस 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 प्लेन, और इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमको फील्ड चाहिए एट पॉइंट्स वेरी क्लोज टू द सेंटर, जहां से हमको उस शीट का बाउंड्री नहीं दिखे,
यही मतलब होता है इन्फिनिटली लार्ज शीट के चलते इस तरह का प्लस 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शीट है और बहुत निकट में इसके सरफेस से कहीं एक फील्ड पॉइंट है डिस्टेंस आर, बहुत निकट में, हमको और छोर नहीं दिखना चाहिए, मध्य के निकट में, थोड़ा इस पार या थोड़ा उस पार कहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। ये थोड़ा एग्जैजरेटेड ही, हम जो डिस्टेंस दिखा रहे हैं आर वो थोड़ा एग्जैजरेटेड है, बट ठीक है। कैसे निकालेंगे? पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं उस फुट को हम ओ बोल रहे हैं, ओ को सेंटर मानते हुए हम पूरे शीट को पतला पतला रिंग्स में डिवाइड करेंगे। चित्र में हम कोई एक रिंग दिखाए हैं एक्स रेडियस का और डी एक्स थिकनेस का, और किसी एक एलिमेंट रिंग में जो चार्ज मौजूद है उसको डी क्यू कह लें, तो उसके चलते जो यहाँ फील्ड होगा वो नॉर्मली अवे होगा, नॉर्मली अवे डायरेक्शन में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम लोग रटे हैं के क्यू एक्स, एक्स था वहां डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, तो यहां नाम आर है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। वो याद करना बहुत जरूरी है कि वो जो फॉर्मूला हम लोग बनाए थे के क्यू एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, उसमें क्यू क्या था टोटल चार्ज, एक्स क्या था डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग जो कि इस केस में आर है, और कैपिटल आर था रेडियस, यहां पे रेडियस इसका एक्स है। उस एलिमेंट रिंग के कारण इस पॉइंट पे फील्ड इतना होगा, और टोटल फील्ड निकालने के लिए यहां डी क्यू के लिए एक एक्सप्रेशन पहले निकालने, डी क्यू का वैल्यू कितना होगा इस एलिमेंट में, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम प्रति स्क्वायर मीटर, चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बार जो चार्ज डेंसिटी है वो कूलम प्रति स्क्वायर मीटर में है, और इस बार जो चार्ज डेंसिटी था वो कूलम प्रति मीटर में था, तो यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिग्मा इंटू इस रिंग का एरिया चाहिए, तो इसको काटेंगे और लंबा करेंगे तो हमको एक रेक्टेंगल मिलेगा पतला सा स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx और लेंथ 2πx, तो उस रिंग का सरफेस एरिया हो गया 2πx टाइम्स dx, इसी को यहां हम पुट करेंगे इक्वल टू 2π से कैंसिल आउट होकर के यहां 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, एक सिग्मा भी बचेगा, और r कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, x बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 टाइम्स dx, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, x वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, रेडियस है आपके रिंग्स का, रेडियस है जो सबसे छोटा एलिमेंट रिंग होगा वो 0 रेडियस का होगा, और जो लार्जेस्ट रिंग होगा वो इनफिनाइट रेडियस का होगा। अब सवाल बन गया, अब केवल हमको ये इंटीग्रेशन करना है, कभी तो करना ही है इसलिए एक बार देखने में क्या जाता है, आपसे तो कोई पूछेगा नहीं ना फिजिक्स के एग्जामिनेशन में कि इसको इंटीग्रेट करके दिखाइए, बट हमको मैथमेटिक्स भी तो सीखना है। यहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी पुट करने जा रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन एक बड़ा ही पावरफुल टूल होता है, वेरी पावरफुल, हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं सब्स्टिट्यूशन को, इंटीग्रांड को रिड्यूस करने में, करने के लिए सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो हम धीरे धीरे मास्टर होंगे जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करेंगे और 2x dx की जगह dt पुट करेंगे, ऊपर में है एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स की जगह हाफ dt पुट करेंगे, तो ये dt हो जाएगा और नीचे में t टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, एक 2 भी है। अब t का वैल्यूज कितना से कितना के बीच में डालेंगे, अगर x के स्थान पे 0 लिखिएगा
तो टी का वैल्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर एक्स के स्थान पे इन्फिनिटी लिखिएगा तो टी का वैल्यू भी इन्फिनिटी लार्ज हो जाएगा। यही इंटीग्रेशन करेंगे, इक्वल टू सिग्मा आर बाई फोर एप्सिलॉन नॉट, टू को बाहर ले लिए, और टी टू द पावर माइनस थ्री बाई टू को इंटीग्रेट करना है तो माइनस थ्री बाई टू प्लस वन यानी माइनस हाफ बटे माइनस हाफ यानी कि टू न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये फिर वापस वहीं का वहीं रह गया और बचा माइनस वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी। अब लिमिट्स डालेंगे आर स्क्वायर से लेके इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी डालिएगा टी के जगह तो ये जीरो आ जाएगा, तो इसका पहला टर्म है जीरो, और माइनस दूसरा टर्म में टी के जगह आर स्क्वायर डालिएगा तो माइनस वन बटे आर यानी प्लस वन बटे आर, इसका वैल्यू है वन बटे आर। बाहर आर एक न्यूमरेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। दोनों रिजल्ट को जरा ध्यान से देखिए, आप इस शीट से आर डिस्टेंस की दूरी पर फील्ड निकाल रहे थे, ऑफकोर्स यहां आर बहुत छोटा डायमेंशन था, इस शीट के डायमेंशंस के तुलना में आप बहुत ही निकट खड़े थे, आंसर में आर आया ही नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। आप इस शीट के, इस शीट को हम साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू, आज के बाद हम किसी भी पॉइंट पर पूछेंगे फील्ड बताइए इस शीट के कारण, दूर में नहीं, अगर हम निकट में पूछ रहे हैं तो आप तुरंत बोलेंगे इस दिशा में होगा और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ऐसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लाइंस भी स्केच कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इन सब के बीच का जो स्पेसिंग है वो भी सेम है, वो हम फील्ड लाइंस के बारे में जब पढ़ा रहे थे पहला क्लास तभी हम बताए थे कि इन फील्ड लाइंस के बीच का जो स्पेसिंग है घनत्व तो, वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है उनके मैग्नीट्यूड को। इस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इस पार और उस पार, फॉर पॉइंट्स क्लोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इधर रखिएगा प्लस वन कूलम तो वो इधर फोर्स महसूस करेगा, उधर रखिएगा, और जैसे जैसे दूर जाते हैं एक्चुअली में फील्ड थोड़ा कमजोर होने लगता है, किनारों पे भी जा करके थोड़ा दूर दूर होने लगता है यानी कमजोर होने लगता है फील्ड, लेकिन हमको तो मतलब सिर्फ है निकट में, हमको सिर्फ इसके निकट वाला जो इलाका दिख रहा है, हमको इतने इलाका में मतलब है, यहां पे कोई फील्ड पॉइंट यहां 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 जहां से हमको और छोर ना दिखे शीट का, वैसे किसी भी फील्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस शीट, जबकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, कितना दूर खड़े हैं। एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से के कारण आप फील्ड निकालिएगा तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यहां वन बाई आर स्क्वायर है, यहां वन बाई आर है, यहां कॉन्स्टेंट है, यानी कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाइएगा वो ड्रॉप करता है, बड़ी तेजी से ड्रॉप करता है इसके तुलना में। इसमें अगर r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड e मिल रहा है तो दुगुना डिस्टेंस पे जाते ही फील्ड आधा हो जाएगा, जबकि इसमें दुगुना डिस्टेंस पे जाने पे फील्ड एक चौथाई हो जाएगा। द फील्ड इज फॉलिंग एट अ फास्टर रेट इन दिस केस इन कंपैरिजन टू द फील्ड इन दिस केस। अब हम लोग एक आखिरी बात सीखने जा रहे हैं, इस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है। अगर हम लोग एक इस तरह का सिलिंड्रिकल सरफेस पे चार्ज को स्प्रेड कर दें सरफेस पे, ये सिलेंडर का एक्सिस है, अंदर में खोखला है और इसका रेडियस कैपिटल आर है, इनफिनिटली लॉन्ग है ये, यानी इसी लाइन पे जो चार्ज था उसको समझिए फैला के हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस पे रख लिए, इनफिनिटली लॉन्ग, इनफिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्म
कंप्लीट चार्ज्ड सिलेंडर, सिलिंड्रिकल सरफेस। चार्ज डेंसिटी हम फिर लैम्डा लिखें, लैम्डा मतलब लैम्डा कूलम्स प्रति मीटर का मतलब कि अगर हम एक मीटर सिलेंडर का पोर्शन को काट लें तो कुल चार्ज जो उसके सरफेस पे स्प्रेड है तो जोड़ करके लैम्डा कूलम्स है। अब फील्ड कैसा होगा तो हम यहां पे कोई मैथमेटिक्स नहीं आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, हम सिर्फ रिजल्ट बताने जा रहे हैं कि अगर बाहर में किसी पॉइंट पे आप फील्ड निकालते हैं तो ये इसको पतला पतला अगर हम लाइन चार्जेस में बांट दें और सबके चलते यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें कंबाइन करके तो अंत में ये पूरा सारा लाइन चार्ज मिलके ऐसा व्यवहार करता है कि सब एक एक्सिस के अलोंग एक सिंगल लाइन में सब एकत्रित है। ठीक वैसे जैसे एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर आप अगर फील्ड निकालते हैं तो वो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव करता है एज इफ कि वो एक ही पॉइंट पे सिमटा हुआ है, तो ये सिलिंड्रिकल सरफेस भी ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि एक लाइन के अलोंग सिमटा हो सारा चार्ज अलोंग इट्स एक्सिस। यानी कि बाहर में किसी पॉइंट पे अगर हम फील्ड कहें कि बताइए एट एनी पॉइंट आउटसाइड पॉइंट्स सरफेस या सरफेस से बाहर, तो वो ऐसा ही बिहेव करता है जैसे कि एक सारा चार्ज उसके एक्सिस पे एकत्रित हो चुका हो। और अंदर में किसी पॉइंट पे फील्ड निकालिए, अंदर में यहां इक्वालिटी साइन देखिए अलग है, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो बिल्कुल वैसे ही स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सरफेस तक देर इज नो फील्ड एंड अचानक से सरफेस पे फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गेस्ट E नॉट कह लें। तब इसी फंक्शन को E नॉट के टर्म्स में अगर लिखें, बड़ा सिंपल है, यहां तो जीरो लिखेंगे और सरफेस पे जो फील्ड है उसको E नॉट कह रहे हैं, यानी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो अगर आप बाहर में किसी भी पॉइंट पे जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है तो r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को E कहें, सरफेस पे E नॉट, तो E नॉट बटे कैपिटल R मस्ट बी इक्वल टू E बटे, चूंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस तो E इंटू R मस्ट बी कॉन्स्टेंट, सो E नॉट इंटू कैपिटल R इक्वल टू E एट अ डिस्टेंस R, निकल गया E नॉट इंटू कैपिटल R बटे स्मॉल R फॉर पॉइंट्स आउटसाइड। और एक आखिरी है कि अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तो अगर ये एक तो सॉलिड सिलेंडर को नहीं बोलते हैं, जैसे वहां सॉलिड स्फीयर नहीं बोलते हैं उसको सिर्फ स्फीयर बोलते हैं, या तो शेल बोलेंगे तो समझेंगे सरफेस पे, स्फीयर बोलेंगे तो समझेंगे कि पूरा स्फेरिकल रीजन में चार्ज स्प्रेड है। उसी तरह से हम अब बोलेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर, वहां लिखे हैं सिलिंड्रिकल सरफेस, सेम चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम प्रति मीटर, ये उसका एक्सिस है, इस बार चार्ज अंदर में भी है, सब जगह है, यूनिफॉर्म है। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फंक्शन होगा डिस्टेंस का, फिर उसी प्रकार हमको करना होगा फॉर पॉइंट्स इनसाइड एंड फॉर पॉइंट्स आउटसाइड। यहां इक्वालिटी दोनों तरफ दे रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में था वैसा ही यहां पे भी आपको मिलेगा फॉर्मूला। बाहर में किसी पॉइंट पे फील्ड निकालिएगा तो ये पूरा ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कि लैम्डा कूलम्स पर मीटर का मतलब समझ लेंगे ना, अगर एक मीटर लंबा हम सिलेंडर काटे तो उसके अंदर जो कुल चार्ज है वो जोड़ के लैम्डा कूलम्स है। तो बाहर में किसी पॉइंट पे फील्ड निकालिएगा तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि ये एक सिंगल लाइन चार्ज हो अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। और बाहर अंदर में बिल्कुल जैसे हम स्फीयर के अंदर में निकालना था तो हम जो किए थे वो यहां भी यही करेंगे,
अगर यहां अंदर में निकालना है एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, तो हम एक सिलेंडर कल्पना करें स्मॉल आर रेडियस का। अब यहां पे जो फील्ड निकालिएगा, तो इस सिलेंडर के अंदर में जितना चार्ज है वो बिहेव करेगा लाइक अ लाइन चार्ज, और इसके बाहर वाला जो पोर्शन है उसको पतला पतला सिलिंड्रिकल शेल्स में बांटिए, तो ईच का कंट्रीब्यूशन अंदर में जीरो होता है, जो हम लोग देख चुके हैं। किसी भी सिलिंड्रिकल सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर में किसी भी फील्ड पॉइंट पे उनका टोटल कंट्रीब्यूशन शून्य होता है। यानी इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो सिर्फ स्मॉलर रेडियस के सिलिंड्रिकल रीजन में जो चार्ज मौजूद है, बस उसको, उस चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा प्राइम कह ले कूलम प्रति मीटर, क्योंकि इस सिलेंडर का अगर एक मीटर काटिएगा तो उसमें लैम्डा कूलम नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, ये मोटा सिलेंडर था। तो यहां पे जो फील्ड होगा वो लैम्डा प्राइम बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। ये लैम्डा प्राइम एक लाइन चार्ज की तरह कंसिडर करेंगे। अब केवल लैम्डा प्राइम निकालना है, जैसे वहां पे हमको इस स्फीयर के अंदर में आर डिस्टेंस पे निकालना था तो सिर्फ क्यू प्राइम निकालना था, और वहां पे फील्ड क्यू प्राइम बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था, बाकी का फील्ड कंट्रीब्यूशन जीरो था। यहां भी वैसे ही करना है, लैम्डा प्राइम कितना होगा, यानी इस सिलेंडर का अगर एक मीटर काट लें तो उसमें कितना चार्ज होगा। तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट। ये है मेरा ओरिजिनल सिलेंडर, आर रेडियस का एक और 1 मीटर लेंथ का अगर आप एक सिलेंडर काट ले तो इसमें कुल चार्ज है लैम्डा कूलम्स, दैट इज गिवन। अगर हम इसमें एक पतला सा पोर्शन काटें ऑफ रेडियस स्मॉल आर, सेम हाइट 1 मीटर, तो उसमें कितना चार्ज होगा निकालना है। तो फिर वही हम लोग करेंगे जो 10-20 आम का पता है और 5 का दाम निकालना है, तो पहले 1 का निकालेंगे, यानी कि कितना चार्ज है लैम्डा कूलम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हुआ पाई आर स्क्वायर इनटू 1 मीटर, इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी निकाल लिए और इसको मल्टीप्लाई कर दें इस सिलिंड्रिकल रीजन के वॉल्यूम से, जो कि पाई आर स्क्वायर इनटू 1 मीटर से, यानी कि इस सिलिंड्रिकल रीजन का जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को यहां डाल दें लैम्डा प्राइम की जगह, लैम्डा आर स्क्वायर बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और 1 आर कट के इतना बचा। अब यहां लिखते हैं इसको, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर गुणे आर। लेकिन हम जब इस फॉर्मूला को रटेंगे तो हम इसका जो ग्राफ बनाते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस का जो ग्राफ बनता है वो सरफेस तक लीनियरली इंक्रीज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, और बाहर में फिर ये फॉल करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अ सरफेस पे आके फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है E नॉट, जहां की E नॉट का वैल्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। अगर इसी फंक्शन को हम E नॉट के टर्म्स में लिखें देन इट इज रियली ब्यूटीफुल, और यहां कॉन्टिन्यूटी है फंक्शन में, इसीलिए इक्वालिटी साइन दोनों तरफ डाला गया है। अगर हम लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह E नॉट इनटू कैपिटल आर लिख दें तो बाहर में किसी पॉइंट पे फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, और अंदर में किसी भी पॉइंट पे फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, सम कांस्टेंट इनटू स्मॉल आर, सम कांस्टेंट बटे स्मॉल आर, एंड देयर वी आर। हम लोग के सिलेबस में जितना भी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है सब पढ़ लिए। इसलिए हम लोग अब एक फिजिकल क्वांटिटी आज समाप्त कर दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग एक नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
श्री स्मार्ट।